हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि बस कुछ ही महीने दूर हैं आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन से। और इसी प्रिपरेशन का एक स्टेप होता है आपका टीएम में। जी हाँ, आप चाहे अप्रैल 2023 में हो एनआईएस की या फिर अक्टूबर 2023 में हो एनआईएस की, आपको एक टीएम में सबमिट करना होता है, जो कि होता है आपके थियोरी का 20% मार्क्स। इसमें होता है आपके थियोरी का 20% मार्क्स, यानी कि आपको टीएम में बनाने मात्र से, असाइनमेंट बनाने मात्र से आपके थियोरी का 20% मार्क्स मुफ्त में मिल जाना है। तो इस टीएम में के स्टेप को बिल्कुल भूलने या फिर लाइटली कैजुअली लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे के इसको आप बना करके अपलोड कर सकते हो और वहां से पा सकते हो पूरे मार्क्स, और इस तरीके से आप अपने एग्जाम को पास करने की एक स्टेप और ज्यादा करीब हो जाओगे। तो इसी एक स्टेप को हम लोगों ने आसान किया है डिस्टेंस स्कॉलर के चैनल के माध्यम से। लगातार हम लेकर आ रहे हैं क्लास 10th वालों के लिए और क्लास 12th वालों के लिए उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके टीएमए के सॉल्यूशन, जिसको बच्चे काफी पसंद भी कर रहे हैं और हमें लगातार कमेंट करके बता रहे हैं कि वाकई ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल हो रही है। तो इसी सीरीज में हम आज लेकर आए हैं एक बड़ी वीडियो, जो कि है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो जिन बच्चों ने भी क्लास 10th में मैथ्स लिया था हिंदी में, तो उनके लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी इंग्लिश वर्जन यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने ये सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये फाइनली आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th के मैथ का सॉल्यूशन हिंदी में। ये इसका पार्ट वन है, जहाँ की आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन, और इसके बाद आपको मिलेगा पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं हमने इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम अभी बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम को और ज़्यादा आसान करेगी और आपके जो पास होने के चांसेस है वो कई गुना बढ़ा देगी। तो एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि सारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सके। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से, डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में देना है, और क्वेश्चन नंबर ए है क्या? पुनित अपने BMI को सही करने के लिए प्रातःकाल सैर करने जाता है। वह अपने प्रतिदिन के औसत कदमों को नोट करने के लिए किसी फिटनेस ऐप का प्रयोग करता है, जिसके एक सप्ताह के परिणाम नीचे सारणी में दिए गए हैं। ये देखो, परिणाम सोमवार से रविवार तक है, स्टेप काउंटिंग है, और इसी के तहत फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पुनित के द्वारा सप्ताह में चले गए कुल कदमों की गणना कीजिए। दूसरा है, सप्ताह के किसी दिन वो सबसे ज्यादा घुमा, यानी कि वो किस दिन सबसे ज्यादा घुमा। तीसरा है, सप्ताह में औसतन उसके द्वारा कितने कदम चले गए। तो इसी सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखो हमने यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर दिए हैं। पहला, पुनित द्वारा चले गए कुल कदमों की संख्या। दूसरा, वो सबसे ज्यादा किस दिन घूमा। और तीसरा, औसतन कदमों की संख्या। और ये है इसका फाइनल आंसर। आप देख के नोट डाउन कर सकते हो या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, घर बैठ के आराम से लिखना। यहीं पर होता है क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, वहां से हमारी टीम आपसे कुछ मामूली सा शुल्क चार्ज करेगी और आपको देगी आपके TME का PDF, जिसको आप घर बैठ के आराम से लिख सकते हो अपनी अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में फिर से देना है आपको। यहाँ पर चुना हमने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से, बिलियर्ड बॉल पर पथ तीर द्वारा एक्स से एस तक दिखाया गया है। XY और ZX समानांतर पथ हैं। कोण ABCD और E का मान ज्ञात कीजिए। अपनी कार्यविधि कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको कोण ABCDE का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये डायग्राम है जो कि आपको अपने TM में मिल जाएगा, ये मेंशन है, और यहाँ पे हमने ये चीजें लिख दी हैं जो हमको इस डायग्राम से मिल रही थी।
और फिर शुरू हुआ इसका सॉल्यूशन देना यहाँ से। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, यह रहा आपका एंगल बी यानी कोण बी का मान, कोण सी का मान, कोण डी का मान और कोण ई का मान, और फिर एक है कोण ए का मान। और इसी कोण ए के मान के साथ हम ये क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन टू का आंसर भी यहीं पे कंप्लीट होता है। और हम मूव करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। डियर स्टूडेंट, ये इस वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन, और बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे इसका पार्ट टू जिसमें होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी। सो डियर स्टूडेंट, आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करके चलना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चलना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो आप तक पहुंचाने में। और आपका ये छोटा छोटा एफर्ट, आपके छोटे छोटे एनकरेजमेंट हमें इसी तरह प्रोत्साहित करते रहेंगे आप तक लेकर आने के लिए बेहतरीन वीडियो। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फिर से एक बार 40 से 60 शब्दों के बीच की। और यहाँ पर क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, यानी कि हमें मान ज्ञात करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आप x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कर सकते हो। और ये रहा इसका फाइनल आंसर। वीडियो को लाइक जरूर करते जाना अगर अच्छी लगी वीडियो। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से, डियर स्टूडेंट निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में देना है। अभी आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट यानी कि आंसर का जो दायरा है वो थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन है यहाँ पे आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसमें यह दिया गया है कोण ए इज इक्वल टू 80, एंगल सी इज इक्वल टू 60, एंगल बी इज इक्वल टू 2x और एंगल BCD इज इक्वल टू y। BD और CD क्रमशः एंगल B और एंगल C को समद्विभाजित करते हैं, XY के मान की गणना कीजिए। तो ये डायग्राम आपको गिवन है TMA में आपके, और इसी डायग्राम को हमने ये सारे मान उसमें से फाइंड आउट किए हैं और यहाँ पर फिर फाइनल आंसर दिया है, निकाला है इसका। और यहाँ पे एंगल X की वैल्यू निकली और इसी के बेसिस पे हमने फिर Y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और ये हमारा फाइनल आंसर है एंगल Y एंड एंगल X। आप देखो, लिखो, मैथ में बिल्कुल आराम से लिखना, क्योंकि एक भी स्टेप छूटा, एक भी स्टेप गड़बड़ हुआ तो आपका जो फाइनल आंसर है वो बिल्कुल गड़बड़ माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना और इसको थोड़ा समझ के भी करना, ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ में करते जाओ। और ये है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग फिर से 100 से 150 शब्दों में हमें देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी को लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन बी कहता है AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है कि AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड AB पैरेलल टू CD। यदि AB और CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और ये भी आपका गिवन है आपके TMA में। आप ये देखो, और ये सारे स्टेप करके आप इस वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हो। एक थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है, पढ़ लेना, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए। और फाइनली यहाँ पे मान आ गया x का, और जब x का मान आ गया तो आपकी जो त्रिज्या है वो भी अपने आप निकल के आ गई, और यही था इसका फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट, इसी फाइनल आंसर के साथ हमारी वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट होती है, ख़त्म होती है। लेकिन हम मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत जल्द देकर आऊँगी आपके लिए दूसरी बेहतरीन वीडियो जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।